हे रोहित, लॉन्ग टाइम नो सी मैन। सर्दी में ठिठुरते हुए लाहौर ने मुझे बर्फानी तूफान से जमे हुए जर्सी की याद दिला दी, जब मैं दो दो फुट गहरी बर्फ से गुजर कर तुमसे मिलने पहुंचा। अगर सालों बाद होने वाली मुलाकात की गर्म जोशी ने मौसम की बर्फ को पिघला के रख दिया। गेस व्हाट, मैं बॉर्डर की तरफ जा रहा हूं। 15 साल पहले हम बॉर्डर पे ही तो मिले थे, जब अमृतसर और लाहौर के बच्चे पीस के मौजू पर ड्रामा बॉर्डर बॉर्डर करने अमृतसर गए थे। मैंने सोचा बॉर्डर का विजिट करके वो यादें ताजा की जाए। पहली बार जब मैंने दूसरे पाकिस्तानी बच्चों के साथ बॉर्डर पार किया तो ऐसे लगा था जैसे स्पेस का फ्रंटियर पार करके चांद बल्कि मार्स पर पहुंच गया। हिंदुओं और सिखों को पंजाबी बोलते सुनकर हम हैरान रह गए थे, और तुम लोग पंजाबी स्पीकिंग मुसलमानों को देखकर हके बके थे। हमने ये डिस्कवर किया कि मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे के अलावा हमें और कुछ मुख्तलिफ ना था। यही तो था हमारे ड्रामे बॉर्डर बॉर्डर का मौजू, उसका पैगाम। हमने खेल खेल में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर क्रिएट किया, हुबुल वतनी को इंसान दोस्ती से जोड़ा। तुम लोग गुरमुखी और हम उर्दू स्क्रिप्ट में मुकालमे याद किया करते थे, मगर असल स्क्रिप्ट तो वही था। शरारते वही, जोक्स वही, पसंद नापसंद वही। हम चंद हफ्तों में एक दूसरे के इस कदर करीब आ गए, कैसी पक्की दोस्ती हो गई थी, ऐसी पक्की कि आज तक आए 15 साल बाद भी। पाकिस्तान को हल्की गोली हजम नहीं होती है, पाक की बीमारी ही ऐसी है जिसका इलाज गोलियों से होने नहीं वाला है, गोलों से ही मुमकिन है। भारत ने अपनी तोप से 120 mm वाले गोले की दवा दे दी है। चार उसके वक्फे के बाद भारत को फिर जरूरियत का दौरा पड़ गया। कंट्रोल लाइन पर बदल सेक्टर में बिला इश्तियार गोलाबारी करके शहरी आबादी को निशाना बना डाला। पाक फौज की जानिब से फिर मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। वाघा अटारी बॉर्डर पर आजकल बहुत गर्मा गर्म। लंबे लंबे कदमों और जोर जोर से हिलते हुए बाजुओं के साथ परेड हो रही है। बॉर्डर पार वालों को घूरा जा रहा, जारियाना इशारे किए जा रहे हैं, मगर ऐसे लगता है जैसे वो आईने के सामने ये खेल खेल रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ भी वही लोग हैं, वही रंगत, वही जबान, वही खुद पर तारी की हुई नफरत। इनके चेहरों पर इतनी संजीदगी है जिसे देखकर हंसी को रोकना मुश्किल हो जाता है। ये जो दोनों परचम एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं, इनका पैगाम कुछ और है। वतन से मोहब्बत का मतलब हमसाये से नफरत तो नहीं हो सकता। अपना परचम दूसरे परचम के साथ मिलकर भी तो लहराया जा सकता है। एक बॉर्डर बॉर्डर ये लोग सरहद पर खेल, एक बॉर्डर बॉर्डर हमने लाहौर और अमृतसर के स्टेज पर खेला। इन लोगों के जारहाना मार्च से जमीन फैल जाती है, हम लोगों का खेल धरती से जुड़ा हुआ है।
इनका खेल जंग नफरत का खेल। हमारा खेल अमन और मोहब्बत का खेल। इनके खेल के खात्मे पर दरवाजे बंद हो जाते हैं, हमारे खेल के खात्मे पर दिलों और सोचों के दरवाजे खुल जाते हैं। मेरा ख्याल है हमारे बॉर्डर फोर्स के भाइयों को हमारा बॉर्डर देखना चाहिए है ना।